गाइस वेलकम टू सेशन आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जनरल स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ का पार्ट थर्टीन का जो सभी स्टेट के पीसीएस एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं पहला क्वेश्चन है चुनावी बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए विद रेफरेंस टू इलेक्टोरल बॉन्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चुनावी बॉन्ड की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती पहला कथन दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक इन बॉन्ड्स को जारी करने और भुनने हेतु अधिकतर अधिकृत बैंक है यह बॉन्ड प्रत्येक राजनीतिक पार्टी की निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होता है और उनमें से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है देर इज नो मैग्जिम लिमिट फॉर इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द ऑथोराइज बैंक टू इशू एंड इन कैश दिज बॉन्ड्स दिस बॉन्ड इज रिडीमेबल इन द स्पेसिफाइड अकाउंट ऑफ ईच पोलिटिकल पार्टी विच ऑफ़ द अब स्टेटमेंट इज और आर नोट करेक्ट तो चुनावी बोंड के बारे में बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है इसमें से दूसरा और तीसरा सही नहीं है बाकी पहले वाला सही है दूसरा और तीसरा ये गलत है यानी का आंसर हो जाएगा सी जो चुनावी बोंड्स हैं उनको जारी करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो दूसरा गलत है पहले वाला सही है कि इनकी कोई भी अधिकतम सीमा नहीं होती है चुनावी बोंड की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इन बॉन्ड्स को जारी करने और बनाने के लिए अधिकृत बैंक है ये बॉन्ड एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होता है और बॉन्ड पर जो है दाता का नाम का उल्लेख नहीं होता जो डोनर होता है उसके नाम का उल्लेख नहीं होता है दूसरा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम बैठक कब हुई थी वैन वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड ट्वेंटी एट्थ नवम्बर नाइनटीन फोर्टी सेवन या छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ अड़तालीस अट्ठाईस नवंबर उन्नीस सौ उनचास या 28 जनवरी उन्नीस सौ पचास भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम बैठक कब हुई थी तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम बैठक हुई थी अट्ठाईस जनवरी उन्नीस सौ पचास को आंसर हो जाएगा इसका डी उन्नीस सौ में भारत को स्वतंत्रता मिली थी और उसके पचास छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को भारत का जो संविधान है वो लागू हुआ था और उसके साथ ही भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अस्तित्व में आया 1947 में हम आज़ाद हुए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और उसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आ गया और इसकी बैठक हुई थी छब्बीस जनवरी उन्नीस को डी आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक सॉरी अट्ठाईस जनवरी उन्नीस पचास को हुई थी आर्थिक गतिविधियों और पर्यावरण सरंग के कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पर्यावरण क्षरण के मूल्य का आकलन क्या कहलाता है वॉट इज द असेसमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स ड्यू टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन प्राकृतिक संसाधन लेखांकन पर्यावरण प्रभाव आकलन या समन्वित पर्यावरणीय आकलन या पारितंत्र आकलन नेचुरल रिसोर्सेज अकाउंटिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल असेसमेंट इको सिस्टम असेसमेंट जो आर्थिक गतिविधि और पर्यावरण का क्षरण है उसके कारण जो प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पर्यावरण का क्षरण होता है उसके मूल्य का आकलन क्या कहलाता है तो इसका आकलन क्या रहता है प्राकृतिक संसाधन लेखांकन ए आंसर हो जाएगा इसका प्राकृतिक संसाधन लेखांकन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज अकाउंटिंग आर्थिक गतिविधियों और पर्यावरण क्षरण के कारण जो प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है और पर्यावरण क्षरण के मूल्य का आकलन प्राकृतिक संसाधन लेखांकन कहलाता है प्राकृतिक संसाधन लेखांकन के लिए जो पहला कदम है मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में जो इस होम सम्मेलन हुआ था 1970 में वहाँ पर उठाया गया था जब आर्थिक विकास और पर्यावरणीय गिरावट के बीच संबंधों पर पहली बार चर्चा की गई थी दुस्तिल्क संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं पूछ लिए जाते हैं स्टेट पीसीएस में दुस्तिल दुस्तिल्क जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इस ऑर्गेनाइज बिटवीन वे विच टू कंट्रीज़ म्यांमार और मालदीव रूस अफगानिस्तान भारत उज्बेकिस्तान या ईरान और पाकिस्तान जो दुस्तिल्क संयुक्त सैन्य अभ्यास है किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है ये किया जाता है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य दुस्तिल्क भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित किया जाता है सी आंसर हो जाएगा इसका दुस्तिल्क जो सैन्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित किया जाता है भारत और उज्बेकिस्तान आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध अवैध तस्करी आदि सहित कई सुरक्षा मुद्दों पर आम दृष्टिकोण साझा करते हैं इसकी वजह से ये दोस्त संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करते हैं दोनों साथ में अल नजाहा संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य होता है अल नजाहा फोर्थ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज़ ऑर्गेनाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज़ भारत एवं ओमान भारत और संयुक्त अरब अरब अमीरात भारत और ईरान भारत और अफ़गानिस्तान इंडिया एंड ओमान इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात इंडिया एंड ईरान इंडिया एंड अफ़गानिस्तान अल नजा संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और ओमान के मध्य होता है आयोजित होता है भारत और ओमान के मध्य आयोजित किया जाता है अल नजा संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना और ओमानी सेना जो ओमान की शाही सेना है उसके मध्य किया जाता है भारत ओमान की नौसेना के साथ नसीम अल बहर एवं उसकी वायु सेना के साथ ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास भी आयोजित करता है जो भारत है अल नजा के अलावा नसीम अल बहर और उसकी वायु सेना के साथ जो है ईस्टर्न ब्रिज ये दो अभ्यास और भी आयोजित करता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किस स्वतंत्रता सेनानी ने तैयार किया था विच फ्रीडम फाइटर डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया तिलक मांझी पिंगली वैकैया अल्लूरी सीतारमन राजू या सुरेंद्र साई जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा उसको किस स्वतंत्रता सेनानी ने तैयार किया था ये बताना है तो इसको तैयार किया था पिंगली वैकैया ने यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कहीं एग्ज़ाम में तो पिंगली वैकैया भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया था भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वैकैया ने तैयार किया था गांधी जी के अनुरोध पर पिंगली वैकैया ने देश के राष्ट्रीय झंडे को तैयार किया था तो तैयार करने वाले कौन थे पिंगली वेकैया और किसके अनुरोध पर गांधी जी के अनुरोध पर और 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस ध्वज को आधिकारिक रूप से अपना लिया गया था नाइनटीन में कांग्रेस कौं, ने इसको आधिकारिक रूप से अपनाया था मिंजर मेला भारत के किस राज्य में लगता है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द मिंजर फेयर हेल्ड हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम मिंजर मेला मिंजर मेला किस राज्य में लगता है ये बताना है तो मिंजर मेला लगता है हिमाचल प्रदेश में ए आंसर हो जाएगा इसका मिंजर मेला हिमाचल में लगता है ए आंसर मिंजर मेला भारत के हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी में मनाया जाता है जो हिमाचल की चंबा घाटी है वहां पर मिंजर मेला लगता है और मक्के के पौधे के पुष्पक्रम को मिंजर कहते हैं जब मक्के के पौधे में पुष्प निकलता है तो उसको मिंजर कहते हैं और ये मेला श्रावण मास के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है तो मिंजर मेला कहाँ पर लगता है हिमाचल प्रदेश में बायो वेंटिंग बायो स्टमुलेशन और बायो ऑगमेंटेशन किस तकनीक के प्रकार हैं बायो वेंटिंग बायो स्टमेशन एंड बायो ऑगमेंटेशन आर द टाइप्स ऑफ विच टेक्निक स्थाने जैवोपचार तकनीक बाह्य स्थाने जैवोपचार तकनीक या राइजोडिक रेडिएशन ऑयल जैपर तकनीक इसमें से बताना है बायो वेटिंग बायो स्टमुलेशन और बायो ऑगमेंटेशन किन तकनीकों के किस तकनीकों के प्रकार हैं ये बताना है तो ये है स्वस्थ स्थाने जैव जैवोपचार तकनीक से इन सेतु बायोमेडिटेशन टेक्नोलॉजी नई कंप्यूटर नीति उन्नीस के तहत प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क भारत में कहाँ स्थापित किया गया था वेयर वॉज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर पार्क इस्टेब्लिश इन इंडिया अंडर द न्यू कंप्यूटर पॉलिसी 1984? जो नई कंप्यूटर नीति है उन्नीस के तहत प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क भारत में कहाँ स्थापित किया गया ये बताना है मैसूर बेंगलुरु कोलकाता या अहमदाबाद तो बेंगलुरु में स्थापित किया गया था ये आंसर हो जाएगा इसका बी नई कंप्यूटर नीति उन्नीस के तहत जो प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क है भारत में बेंगलुरु में स्थापित किया गया था बी आंसर है इसका नई कंप्यूटर नीति उन्नीस के तहत प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क भारत के बेंगलुरु में स्थापित किया गया बेंगलुरु का चयन करने का आधार क्या था बेहतर आधारिक संरचना बेहतर आर्थिक वातावरण और शीर्ष आई फर्मों की उपस्थिति वहाँ पर आई हब है इस वजह से इसका चयन किया गया था निम्नलिखित में से कौन सा कौन से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 हजार काया के लक्ष्य हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द गोल ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 थाउजेंड मातृत्व मृत्यु दर को प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर नब्बे से कम स्तर तक लाना टू ब्रिंग डाउन द मेटरनल मोटेलिटी रेशियो मोटेलिटी रेट टू लेस देन नाइन्टी पर वन लैख लाइव वर्स शिशु मृत्यु दर को प्रति एक हज़ार जीवित जन्मों पर पच्चीस से कम करना टू रिड्यूस द इन्फेंट mortality रेट रेट्स टू लेस देन ट्वेंटी फाइव पर वन थाउजेंड वर्थ नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन ब्लॉक जो दो हजार की जनसंख्या नीति है उसमें से दोनों में से बताना है कौन से सही है इनमें दोनों में से कोई भी सही नहीं है डी आंसर हो जाएगा जो राष्ट्रीय जनसंख्या 2000 थी उसके सामाजिक जाननी के कुछ लक्ष्य थे मातृत्व जो मृत्यु दर है उसको प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर सौ से कम स्तर तक लाना था नब्बे से नहीं सौ से शिशु मृत्यु दर प्रति एक हज़ार जीवित जन्मों पर तीस से कम करना था और टीके के द्वारा रोकी जा सकने वाली बीमारियों के विरुद्ध सभी बच्चों की प्रतिरक्षा की व्यवस्था करनी थी ये दो लक्ष्य थे इसके उत्तर प्रदेश राज्य को कितने आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया इंटू हाउ मैनी इकोनॉमिक जोन्स द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन डिवाइडेड जो उत्तर प्रदेश है यानी यूपी उसको कितने आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है दो तीन चार या पाँच इसको चार आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है आंसर हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसको चार आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और चार आर्थिक क्षेत्र में जो है अट्ठाईस जिले हैं पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र के तीस जिले हैं पूर्वी आर्थिक क्षेत्र के अट्ठाईस पश्चिमी के तीस और केंद्रीय के दस बुंदेलखर आर्थिक क्षेत्र के सात औद्योगिक विकास की दृष्टि से प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है पश्चिमी क्षेत्र जबकि सबसे कम विकसित क्षेत्र है बुंदेलखंड पश्चिमी क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से सबसे विकसित है और सबसे कम विकसित है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र इनको चार क्षेत्रों में बांटा गया है सूची वन को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए का सही उत्तर दीजिए मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट सूची एक और सूची दो दी हैं अमीर खुसरो का जन्म और उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला सरंगी ऋषि मंदिर निजामुद्दीन ओलिया का जन्म ये चार दिए हुए हैं इनमें से मैच करना है कौन सा सही है वर्थ ऑफ अमीर खुसरो कालिंजर फोर्ट इन उत्तर प्रदेश श्रृंगरी ऋषि टेम्पल बॉन निजामुद्दीन ओलिया श्रृंग ये जो फोर्थ ऑप्शन है नीचे आ गया है इसको मैच करना है चारों में से इसमें अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली कासगंज में थर्ड में मैच करेगा ये और उत्तर प्रदेश का कालिंजर का किला है बांदा ये से मैच करेगा और सरंगी ऋषि मंदिर कहाँ पर है सरंगी रामपुर फरुखाबाद में और निजामुद्दीन ओलिया का जन्म हुआ था बदायूं में यानी कि तीन दो चार एक तीन दो चार एक का मतलब बी आंसर हो जाएगा इसका ये मैच करेगा बी वाला ऑप्शन थ्री टू फोर वन अमीर खुसरो का जन्म पटियाली खासगंज उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला बांदा, सरंगी ऋषि मंदिर श्री सरंगी रामपुर फरुखाबाद में और निजामुद्दीन ओलिया का जन्म हुआ था बदायूं में तो इसका बी आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस युगम के सभी देश सार्क के सदस्य हैं ऑल द कंट्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर मेंबर्स ऑफ सार्क निम्नलिखित में से किस युगम के सभी देश सार्क के सदस्य हैं अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान और भारत चीन पाकिस्तान श्रीलंका और नेपाल मालदीव म्यांमार पाकिस्तान और नेपाल बांग्लादेश भूटान भारत और मेडागास्कर इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी कम पूछता है लेकिन जो स्टेट पीसीएस हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो इसका आंसर ए हो जाएगा अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान और भारत जो है सार्क देशों के सदस्य हैं जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन सार्क की फुल फॉर्म है इसकी स्थापना कब हुई थी आठ दिसंबर उन्नीस को ढाका में हुई थी एक सार्क चार्ट चार्टर पर हस्ताक्षर हुआ था दक्षिण एशिया में जो क्षेत्रीय सहयोग है उसका जो विचार है सर्वप्रथम नवंबर उन्नीस में सामने आया था और सात इसके संस्थापक देश थे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि इसके संस्थापक देश कितने थे सात थे बा, बांग्लादेश भूटान भारत मालदीव नेपाल और पाकिस्तान श्रीलंका इनके जो विदेश सचिव थे उनके परामर्श के बाद इसकी प्रथम मुलाकात उन्नीस में कोलंबिया में हुई थी और अफगानिस्तान 2005 में हुए आयोजित तेहरवें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बना तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सार्क का सबसे नया सदस्य कौन है अफगानिस्तान है और कब बना था ये 2005 में बना था इसे इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है एवं सचिवालय नेपाल के काठमांडू मा, काठमांडू में स्थित है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सार्क का सचिवालय और मुख्यालय कहाँ पर है काठमांडू में तो इसका आंसर हो जाएगा ए हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया रिसेंटली द ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल वॉज रिलीज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नीति आयोग के द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उपयुक्त में से कोई नहीं तो जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनके लिए बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया है ये तैयार किया गया है नीति आयोग के द्वारा ए आंसर हो जाएगा इसका जो नीति आयोग है हाल ही में उसने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया है इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक स्कूटर और तिपहिया इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए बैटरी स्वैपिंग इको की दक्षता में सुधार करना ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन हैं उनको अपनाया जा सके मसौदा नीति के अनुसार पहले चरण के तहत बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए चालीस लाख चालीस लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरीय शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी तो जो बैटरी स्वैपिंग का जो सिस्टम है ये महानगरों में दिया जाएगा सबसे पहले चालीस लाख से अधिक जिसकी आबादी है बैटरी स्वैपिंग एक ऐसा तंत्र है जिसके तहत चार्ज की गई बैटरी को चार्ज ख़त्म हो चुकी बैटरी से बदला जा सकता है अभी क्या होता है एक बैटरी रखी है और उसी को चार्ज करना पड़ता है जब चार्जिंग खत्म हो जाती है तो पहले उसको चार्जिंग पर रखना पड़ता है फिर जाके वो चलाया जाता है लेकिन अभी क्या है बैटरी बदल सकते हैं इस बैटरी स्वैपिंग वाली स्कीम से यह इन बैटरियों को अलग से चार्ज करने की सुविधा प्रदान करता है और नगण्य डाउन टाइम के साथ वाहन को परिचालन मोड में रखता है इसमें ऐसा हो सकता है कि एक बैटरी आपकी गाड़ी में लगी है उससे गाड़ी चल रही है और दूसरी बैटरी चार्जिंग पे लगी है जैसी एक बैटरी खत्म होगी तो उसको दूसरी वाली बैटरी को लगाया जा सकता है 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में सत्रह प्रमुख राज्यों की श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन द कैटेगरी ऑफ सेवनटीन्थ मेजर स्टेट इन द स्टेट्स इन द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय नीति आयोग ऑन जुलाई ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू सतरवा सोलवा पंद्रवा या चौदवा तो नीति आयोग द्वारा जारी जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 है उसमें सत्रह राज्यों की श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान मिला है बिहार को स्थान मिला है पंद्रवा सी आंसर हो जाएगा इसका बिहार इसमें पंद्रहवें स्थान पर है अभी 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी उन्होंने जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 17 बड़े राज्यों में बिहार को पंद्रह स्थान प्राप्त हुआ है नीति आयोग के तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिए सत्रह प्रमुख राज्यों दस पूर्वोत्तर के और पहाड़ी राज्यों तथा नौ केंद्र शासित प्रदेशों और शहरों शहरी राज्यों की श्रेणी में वर्जित किया गया था सत्रह प्रमुख राज्यों में कर्नाटक एटीन पॉइंट जीरो वन अंक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा कर्नाटक क्या है इसमें नंबर वन पे और तेलंगाना दूसरे नंबर पे हरियाणा तीसरे नंबर पे प्रमुख राज्यों में बिहार अट्ठावन अंकों के साथ पंद्रहवें स्थान पर रहा है वहीं दो ऐसे बड़े राज्य भी हैं जो इनोवेशन इंडेक्स में बिहार से भी पीछे हैं इसमें पड़ोसी राज्य उड़ीसा और छत्तीसगढ़ शामिल है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो है बिहार से भी पीछे है उड़ीसा एलेवन पॉइंट फोर टू अंक के साथ सोलहवें और छत्तीसगढ़ टेन पॉइंट नाइन सेवन अंक के साथ सत्रहवें स्थान पर है तीसरा इसका आंसर है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ऑन विच डेट इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्वड अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है उन्नीस जून 29 जून 29 जुलाई या उन्नीस जुलाई तो यह मनाया जाता है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ट्वेंटी नाइन्थ जुलाई सी आंसर हो जाएगा इसका प्रत्येक वर्ष उनतीस जुलाई को धारीदार बिल्ली के संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ उसके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए वैश्विक प्रणाली की वकालत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है आईटीडी की स्थापना दस में जो ये अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस है इसकी स्थापना दो हजार दस में रूस में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर सबमिट में जंगली बाघों की संख्या में गिरावट के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु उन्हें विलुप्त होने से बचाने और बाघ संरक्षण के कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी तो कहाँ की गई थी इसकी स्थापना दो में रूस में आयोजित सेंट पीटरबर्ग टाइगर सबमिट में तो ये ध्यान रखना है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है ऑन विच डेट मुस्लिम वुमेन्स राइट राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड तीस जुलाई एक अगस्त तीस सितंबर या एक अक्टूबर मुस्लिम महिला अधिकार दिवस एक अगस्त को मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस एक अगस्त को भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस या मुस्लिम वुमेन राइट डे के रूप में मनाया जाता है यह दिवस एक अगस्त को तीन तलाक बिल की पृष्ठभूमि में मनाया जाता है एक अगस्त को तीन तलाक जो का जो बिल आया था उसकी पृष्ठभूमि में मनाया जाता है इसे एक अगस्त 2019 को संसद से मंजूरी मिल गई थी तो तीन तलाक बिल मुस्लिम महिलाओं को तलाक की शर्तों की सामाजिक बुराई की बेड़ियों से मुक्त करने में एक बड़ी मील का पत्थर साबित हुआ है साबानो बेगम एवं अन्य बनाम मोहम्मद अहमद खान तथा सायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य ने इस कदम की आधारशिला रखी सायरा बानो ने अपनी रिट याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से तीन प्रथाओं तलाक के विद्दत्त बहुविवाह निकाह लाला को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी तो बीस है इसमें एक अगस्त दो से संसद से मजदूरी मंजूरी मिलने के कारण एक अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट इज द केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकेटेड केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है मिजोरम असम मेघालय मणिपुर मिजोरम असम मेघालय या मणिपुर में से बताना है केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो ये मणिपुर में स्थित है डी आंसर हो जाएगा इसका केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर जो केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वो मणिपुर में अवस्थित है और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है इसको याद रखना है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और लोकटक झील पर स्थित है ये केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के नृत्य करने वाले हिरण सांगई का अंतिम प्राकृतिक आवास है ये एक नृत्य करने वाला हिरण है सांगई उसका ये अंतिम प्राकृतिक आवास है राष्ट्रीय उद्यान को स्थानीय रूप से फुमडी एक मणिपुरी शब्द है जिसका अर्थ है मिट्टी और वनस्पति की तैरती हुई चटाई इसलिए इसको फुमडी कहा जाता है लोकटक झील भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है और इसे 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया है अच्छी इन्फॉर्मेशन इसको याद रख लेना अड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस फिल्म ने जीता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म won द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट the एथ नेशनल फिल्म अवार्ड सोरारई कोटरू तानहाजी द अनसेंग वॉरियर आला बेंकाटू पुर्रामुल्लु साइना चारों में से बताएंगे अड़सठवा जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है ये जीता है सोरारई पोटरू ने आंसर हो जाएगा इसका सोरा रही, भारत और अन्य देशों के बीच होने वाले युद्धाभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए विद रेफरेंस टू द एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स कोंकड़ शक्ति और समुद्र शक्ति जारर अल्बहर बोल्ड कुरुक्षेत्र इसमें से कौन कौन सा सही मैच कर रहा है ये बताना है कोंकड़ शक्ति ब्रिटेन और भारत समुद्र शक्ति इंडोनेशिया भारत जायर अलबहर कतर और भारत बोल्ड कुरुक्षेत्र अफगानिस्तान और भारत इनमें से बताएंगे कौन सा मैच कर रहा है तो पहला दूसरा तीसरा इसमें मैच करता है पहला दूसरा और तीसरा सी आंसर हो जाएगा इसका बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास कहाँ है सिंगापुर और भारत के बीच में संपन्न होता है भारत और ब्रिटेन के बीच कोंकण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र अभ्यास समुद्र शक्ति तथा जायरे अलबहर अभ्यास जो है कतर और भारत के बीच संपन्न होता है तो आज के सेशन में इतने रखेंगे उम्मीद करता हूँ आपको जो है क्वेश्चन थोड़े सही लगे होंगे और अब हम मिलेंगे अगले सेशन में नए क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग